जो लोग कोरोना के संकट में घबरा जाते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। झुंझुनू की 61 साल की एक महिला ने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कोरोना को मात दी है। इस महिला का ऑक्सीजन लेवल 30 था और शुगर 500 से अधिक। झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 34 निवासी ये महिला पिछले करीब 26 दिन से बीडी के अस्पताल में भर्ती थी, जहां इसका हौसला देख डॉक्टर्स ने भी हिम्मत दी। नतीजा यह रहा कि अब इसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 34 की 61 वर्षीय सलमा बानो को 3 मई को गंभीर स्थिति में अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 30 से भी कम था और शुगर लेवल 500 के पार हो गया था। जांच के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें तत्काल जयपुर जाने की बात कही, लेकिन सलमा ने कहा कि उसे यहीं रखा जाए, जिस पर उसका इलाज शुरू किया गया। इलाज करने वाले बीडी के अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर कैलाश राड ने बताया कि शुगर अधिक होने के कारण उनकी हालत बड़ी नाजुक थी। ऑक्सीजन लेवल भी भर्ती के समय 30 से 40 के बीच ही था, जिससे खतरा काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन हमने इसे चुनौती के रूप में लिया। डॉक्टरों के साथ साथ उनके बेटे साजिद भाटी ने उन्हें प्रोनिंग में रखने, व्यायाम करवाने, लगातार शुगर को मापने एवं उसकी मॉनिटरिंग करने के साथ साथ खाने पीने का पूरा ध्यान रखा। फिजिशियन डॉक्टर कपिल सियाग ने बताया कि महिला ने खुद ने भी काफ़ी हौसला रखा, खुद को सकारात्मक माहौल में रखा। सलमा ने बताया कि वे बड़े भाई के निधन होने पर रतनगढ़ गई थी, जिनके बाद से तबीयत खराब रहने लगी। जांच कराई तो सीटी स्कोर 20 आया और 80% फेफड़े संक्रमित हो चुके थे। बेटे साजिद ने बताया कि हमने हिम्मत नहीं हारी और डॉक्टर्स ने भी पूरी मदद की। यह मेरे विचार से एक अलग ही मामला था। मेरी माताजी को 3 मई को कोविड हो गया था और मैं 3 मई को यहाँ बीडी के अस्पताल लेकर आया और कोविड का निरंतर इलाज चला। बीडी के अस्पताल के चिकित्सकों ने बहुत अच्छी यहाँ सुविधा मुहैया कराई, लगातार निरंतर वो मेरी माताजी को देखते रहे और उसके बाद मेरी माताजी आज एकदम ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई और आज हमें छुट्टी दे दी गई है। कोरोना से घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत कोई बड़ी बीमारी नहीं है। मेरी माताजी को हालांकि शुगर थी, शुगर भी फर्स्ट ग्रेड की शुगर थी, उसके बाद ही मेरी माताजी ने कोरोना को मात दी है। और मैं सभी लोगों से आग्रह यही करना चाहूँगा कि कोरोना से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने परिजनों, अपने परिवार वालों, अपने माँ बहनों, अगर किसी का कोरोना होता है तो आप उन सबकी सेवा करें और आपका कर्तव्य बनता है कि आप अगर उनकी सेवा करोगे, आप उनको मोबिलाइज करोगे, आप उनका मनोबल बढ़ाओगे तो वो ज़रूर स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो मेरी माताजी को आज छुट्टी मिल गई, मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है और मैं बीडी के प्रशासन का और सभी डॉक्टर का, PMO डॉक्टर बाजा जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ अच्छी सुविधा, चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई है। धन्यवाद। सलमा बाना जो पेशेंट है वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद घर चले गए और फिर उनकी हालत नाजुक थी। उस समय बड़ा क्रिटिकल दौर चल रहा था, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। उस समय ये हमारे पे बहुत बड़ा विश्वास करके बीडी के अस्पताल में लेके आए और आज ये एक लंबा सफ़र तय करने के बाद आज बिल्कुल स्वस्थ होके जा रहे हैं और ये बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में आए थे। हम धन्यवाद करते हैं हमारे PMO बीडी बाजी साहब का, उन्होंने उस समय क्रिटिकल दौर में ऑक्सीजन सप्लाई को और अन्य जो संसाधन, चिकित्सीय साधन थे, उनकी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी और उसके चलते आज सलमा मानो है खुशी खुशी अपने परिवार के साथ घर जा रहे हैं। वो हमें आशीर्वाद देके गए हैं कि उनकी दुआ से सारे पेशेंट हैं वो जल्द से जल्द ठीक होके जाएं और हम भी ये चाहते हैं कि जो यहाँ पे आ रहे हैं, जो दुखी होके आ रहे हैं, जो क्रिटिकल होके आ रहे हैं, वो जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर लौटें। धन्यवाद।